Hello friends, welcome. This is a review video about KMVN tourist rest house in Mukteshwar. This rest house is located in Nainital district, which is operated by Kumaon Mandal Vikas Nigam. During this video, I'll give you a complete walk around of the hotel and also share my experience कि मुझे इस होटल में क्या अच्छा लगा, क्या कमियां मुझे नजर आई, which might help you to make a decision whether this is a right choice for you or not. This rest house offers you some of the most magnificent views of Himalaya peaks. Complete range यहाँ से visible होती है आपको. You can also witness a beautiful sunset and amazing weather all around the year. If this is your priority, then you can choose this rest house. अब ऐसा नहीं है कि rest house के बारे में सारी अच्छी बातें ही बताई जाएंगी. During my stay, I noticed few issues which needed immediate attention. होटल में renovation का काम चल रहा था, which was said to be completed soon, but जो रूम्स के गद्दे थे वो फटी हालत में थे, साफ सफाई बहुत बुरी स्थिति में थी, एंड रूम सर्विस वाज बिलो एवरेज. सो यू नीड टू बी केयरफुल. ड्यूरिंग द वॉक अराउंड हम डिटेल में इस बारे में बात करेंगे. इन सिंपल वर्ड्स, होटल का मेन अट्रैक्शन एंड सेलिंग पॉइंट उसकी लोकेशन है. ये बिल्कुल सड़क के लास्ट में पड़ता है, सड़कें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं वहाँ पर. इसे जीरो पॉइंट भी बोलते हैं, लोग घूमने भी आते हैं. जीरो पॉइंट एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है. दो और मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इस रेस्ट हाउस के पास में है, चौली की जाली एंड मुक्तेश्वर धाम. श्री मुक्तेश्वर धाम रेस्ट हाउस से वॉकिंग डिस्टेंस पर है. यह सी लेवल से 2315 मीटर की ऊंचाई पर है, जो शहर में सबसे ऊपर और सबसे ऊंचा स्थान है. मंदिर के पास में ही एक चौली की जाली नामक चट्टान है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. पहले जो है भगवान के दर्शन कर लेते हैं. चौली की जाली रेस्ट हाउस से 200 मीटर की दूरी पर है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट्स इन होल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट. यह स्थान लोगों की अटूट आस्था से भी जुड़ा हुआ है. मान्यता है कि चट्टान में बने छेद को जो भी स्त्री पार कर लेती है उसे संतान प्राप्ति अवश्य होती है. चौली की जाली इज़ फेमस अमंग दी एडवेंचरर्स एंड ट्रैकर्स लवर्स. यहाँ पर आपको कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स भी करने को मिल जाएंगे, एंड यू कैन ऑल्सो विटनेस अ ब्यूटीफुल सनसेट. Before we start with the hotel walk around, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल. वी आर एट द मेन एंट्रेंस ऑफ KMVN रेस्ट हाउस. यहाँ से दो रास्ते जाते हैं. राइट साइड में आपको बंगलो स्टाइल रूम्स अवेलेबल हैं एंड लेफ्ट साइड में आपके नॉर्मल रूम्स हैं. इस पिक्चर से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी. पहले हम होटल की लेफ्ट साइड वाली बिल्डिंग में चलेंगे. होटल का रिसेप्शन एंड डाइनिंग एरिया इसी तरफ है. रेस्ट हाउस के नॉर्मल रूम्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप उन्हें ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, बट अगर आपको बंगलो स्टाइल रूम्स लेना है तो आपको वो ऑफलाइन ही मिलेंगे, उनकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है. ऐसा हमें रेस्ट हाउस वालों ने ही बताया है. वी आर एट द रिसेप्शन. साफ सुथरा रिसेप्शन है, अच्छी तरह से मेंटेन करा हुआ है. चेक इन एंड चेकआउट प्रोसेस वॉज स्मूथ. रिसेप्शन के बिल्कुल सामने एक ओपन टेरेस है, साफ सुथरा टेरेस है. यहाँ पर फूल पौधे लगाए हुए हैं, वादियाँ बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़र आती हैं. होटल का वॉक अराउंड हमने इस जगह से शुरू किया था. इस लेफ्ट वाली बिल्डिंग में ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं, तो इसलिए अब हम नीचे वाले बंगलो स्टाइल रूम्स हैं उनको देखने चलते हैं. उसके साथ में आपको इस वाली बिल्डिंग की रूम कैटेगरीज भी आपको शो कर दूंगा, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया. ये होटल का डाइनिंग एरिया है. अंडर रेनोवेशन था तो इसलिए मैंने इसका ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, बट येस इफ़ यू टॉक अबाउट द फूड वाज ओके. होम कुक फूड की तरह था, ज़्यादा मसाले आपको खाने में नहीं मिलेंगे. रेस्ट हाउस आपसे जो टैरिफ चार्ज कर रहा है उसमें आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होता है. यहाँ पर आफ्टर डिनर और ब्रेकफास्ट अगर आपको कॉटेजेस में जाना है सो यू कैन यूज़ दीज स्टेयर्स. ये जो कॉटेजेस हैं कॉर्बेट बंगलो नाम से भी फेमस है, कहा जाता है यहाँ पर जिम कॉर्बेट ने स्टे करा था. ये जो बंगलो स्टाइल रूम्स हैं इनके लिए पार्किंग बिल्कुल सेपरेट है, आप देख सकते हैं. बहुत ही बड़ा एरिया पार्किंग के लिए अवेलेबल है. ऊपर जो बिल्डिंग है उनके लिए भी पार्किंग है, बट इनका थोड़ा सेपरेट है अलग से. मोर ओवर यहाँ से जो वादी है बहुत ही सुंदर नज़र आती है. मौसम अगर साफ़ हो तो यहाँ से हिमालय की कंप्लीट रेंज विजिबल होती है. इस साइड सिर्फ 4 ही कॉटेजेस अवेलेबल हैं, एंड एज़ पर रेस्ट हाउस इनकी बुकिंग ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन नहीं होती. सामने एक बहुत ही सुंदर गार्डन भी अवेलेबल है. चलिए अब आपको रूम अंदर से दिखाते हैं. डिस्क्लेमर, यहाँ पर मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रुका था, आई वाज स्टेइंग विद माई फ्रेंड्स, सो हमारे लिए साफ़ सफाई जो है वो लास्ट प्रायोरिटी थी. ऑल वी वर कंसर्न इज़ अ गुड लोकेशन, जहाँ से वादियाँ अच्छी नज़र आए, हिमालय दिखे, एक अच्छी वेदर हो। बट हाँ, अगर आप फैमिली के साथ रुक रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द हाइजीन। साफ़ सफाई मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई थी रूम के अंदर। मैट्रेसेस भी फटी हुई थी, कुछ स्पाइडर्स भी थी। सो बट हाँ, अगर आप एक हेरिटेज प्रॉपर्टी में सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए रुकना चाहते हैं, जस्ट फॉर वन नाइट, देन यू कैन कंसिडर। बट हाँ, अगर साफ़ सफाई आपके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है, देन अवॉइड। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना शानदार यहाँ से आपको व्यू मिलता है। आपको बाहर से भी दिखाता हूँ। रूम से बाहर आने के बाद में गार्डन है, एंड यू कैन सी, बहुत ही प्यारा लगता है ये। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू सी कंप्लीट रेंज ऑफ हिमालय। पूरी रेंज विजिबल होती है यहाँ से। बट माइंड यू, वेदर भी बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर चेंज होता है। 5 मिनट पहले हिमालय नज़र आ रहा था एंड सडनली एवरीथिंग इज़ गॉन। अब कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ 5 मिनट का फ़र्क था, ट्रस्ट मी। दिस वॉज वन ऑफ द मेन रीज़न आई स्टेड इन दिस रेस्ट हाउस। अमेजिंग वेदर। नाउ लेट्स गो टू द अदर बिल्डिंग एंड आई विल शो यू द रूम्स। जो बंगलो स्टाइल है वो हमें 4200 का पड़ा था, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। अदर रूम्स आर स्लाइटली चीपर। Small suggestion, if you're planning to stay in this rest house, go for the bungalow option. Other rooms are not worth of your money. Now, just to summarize my review, the rest house does have a parking. दोनों ही आपकी जो building है उसमें parking available है. Location of this rest house is excellent. I would say the best part of this rest house is the location. You can witness a beautiful sunset. Panoramic हिमालय का आपको view मिलेगा. So thumbs up for the location, 5 star. Staff behavior was good. I haven't faced any issues with the staff behavior. Cleanliness was the major setback. I was expecting more, but मुझे रेस्ट हाउस में साफ़ सफाई का बहुत बड़ा इशू लगा। रूम्स के जो गद्दे थे वो फटे हुए थे, कीड़े मकोड़े भी थे, जो टेबल्स थी वो भी अच्छी तरह से साफ़ नहीं थी। सो इफ़ यू आर कमिंग विद किड्स और आपके लिए साफ़ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो देन आई वुड से अवॉइड। फूड वॉज एवरेज, डोंट एक्सपेक्ट मच। पैकेज में जो आपके ये ब्रेकफास्ट और डिनर आपको अवेलेबल कराएंगे उसमें बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना नहीं होगा। होम कुक जैसे ही आपको लगेगा। कुछ आइटम बहुत ही अच्छे बने हैं उसके अंदर, बट कुछ जो है मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आए। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने उसको बोला एवरेज। और हाँ, मेन रीज़न तो वही था कि बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है, आपको जितना मिलेगा उतने में ही काम चलाना पड़ेगा। रूम सर्विस आई वुड से इट्स वेरी बैड। जो भी हमने ऑर्डर करा, इट टुक हेल लॉट ऑफ टाइम टू रीच अस। बस इंतज़ार ये में करते रहना पड़ता था ऑर्डर देने के बाद में। मोर ओवर, जो इनके मेन्यू में तो बहुत ही सारे ऑप्शंस थे फूड के, बट जो भी हमने ऑर्डर करने के बारे में सोचा वो अवेलेबल था ही नहीं इनके पास में। दे हैड ए सेट मेन्यू कि भाई ये कर लो, वो कर लो, इंस्टेड ऑफ दिस आप ये ऑर्डर कर दीजिए। सो हमारे पास में आखिरी में सिर्फ 2 या 3 ऑप्शन ही अवेलेबल थे अपने रूम में खाना मंगाने के लिए। इनके पास में स्नैक्स में तो कुछ था ही नहीं, फूड में भी लिमिटेड ऑप्शंस ही इनके पास में थे रूम सर्विस में। सेलुलर रिसेप्शन वाज गुड। मेरे पास में जियो और एयरटेल है, मैंने दोनों पे ट्राई किया था। कॉल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कॉल नहीं कट रही थी। इंटरनेट वाज ऑल्सो वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, सो नो इशूज़ विद द सेलुलर रिसेप्शन। होटल वाईफाई जो है वो भी अच्छी तरीके से काम कर रहा था। हम लोग जो है नीचे कॉटेज स्टाइल में रुके थे, जो बंगलो स्टाइल है, सो वहाँ पर जो है वाईफाई का कोई भी इशू मुझे नहीं लगा, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था। स्पीड वाज ऑल्सो गुड। रूम टैरिफ आई वुड से इट्स बजट। 1700 रुपये से इनके रूम्स अवेलेबल हैं इनके रेस्ट हाउस में। जो ऊपर वाली बिल्डिंग है, बंगलो स्टाइल रूम्स थोड़े से कॉस्टली हैं। वी पेड 4200, जो आपका इनका बंगलो स्टाइल है, सो वो हायर कैटेगरी में आता है आपका। बट हाँ, अगर यहाँ पर रुकना है तो बंगलो स्टाइल में ही आपका रुकने का मज़ा है। बाकी रूम तो आपके पैसों के लायक ही नहीं है। वहाँ पर पैसा भाई वेस्ट मत करना, किसी और जगह चला जाना, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। माई फाइनल वर्डिक्ट अबाउट दिस रेस्ट हाउस, कि आपको इस रेस्ट हाउस में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि हेरिटेज प्रॉपर्टी है, आप एक बार रुक सकते हैं अगर आपके लिए साफ़ सफाई इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके लिए वेदर इम्पॉर्टेंट है। एक बहुत ही सुंदर आपको पहाड़ियों के नज़ारे मिले, हिमालय दिखे, पीसफुल एनवायरनमेंट हो, देन आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ एक बार। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे कि क्या मैं दोबारा यहाँ रुकना चाहूँगा, आई वुड से नो, क्योंकि जितना प्राइस उन्होंने चार्ज करा है इतने में यू कैन एक्चुअली गेट अ बेटर प्रॉपर्टी फॉर श्योर। अच्छे आपको वहाँ पर यहाँ से बेटर खाना मिलेगा, साफ सफाई भी मिलेगी एंड यू माइट गेट अ बेटर इंटीरियर एज वेल। यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है, सो मे बी इन फ्यूचर ये इसको अच्छा बना ले, बट एज ऑफ नाउ जिस कंडीशन में मैं रुका था दोबारा मैं यहाँ पर नहीं रुकूँगा। सो यस, मेरा रिव्यू यहाँ ख़त्म होता है इस रेस्ट हाउस के बारे में। सो इस रिव्यू में अगर आपको कहीं पर भी कोई कमी नज़र आई हो, कुछ पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ, एनीथिंग यू वांट मी टू इंक्लूड इन फ्यूचर वीडियोज़, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स ही मुझे बेटर वीडियोज़ बनाने में हेल्प करेंगे। एंड यस, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।